Hey friends, welcome to my channel. So this is the first use idea of a plain साड़ी. ये मेरी plain red साड़ी से मैंने umbrella gown बनवाया है. मेरी साड़ी में जो border लगी हुई थी मैंने gown में उसी border को लगाया है और दो round लगाने से उसका अलग ही look आया है. ऊपर के योग के लिए मैंने अलग से एम्ब्रॉयडरी कपड़ा खरीदा है. अब इसी से ही मेरे ड्रेस का ओवरऑल लुक चेंज हुआ है. अब कुछ भी एक एलिमेंट और ऐड करते हैं ना, उससे मेरे ड्रेस का लुक चेंज हो जाता है. फिर कोई कह नहीं सकता कि वो साड़ी से बनी है. रेड दुपट्टा तो आई गेस सभी के पास होता है. ये मेरे किसी और ड्रेस का दुपट्टा है जो इसको मैं इस ड्रेस के साथ वेयर करती हूँ एंड इट मैचेस वेरी वेल एंड लुक्स वेरी प्रिटी. Now this is my second reuse idea. ये मेरी एक olive green साड़ी थी जिसमें all over pink border लगी हुई थी. उस border को मैंने ऐसे double layer करवा के bottom में लगवाया है. इससे मेरे dress का bottom look बहुत heavy हो गया है. अब ये ऊपर का yoke के लिए मैंने अलग से brocade fabric खरीदा है. And the combination of olive green and purple, it looks very beautiful. अभी नेक पे जो लेस लगी है ये मेरी ओरिजिनल साड़ी की ब्लाउज की ही लेस है जिसको मैंने इसमें ट्रांसफर करवा लिया. ये मेरा एक पुराना क्रीम दुपट्टा था तो वो ही मैंने इसमें यूज कर लिया है. साड़ी की जो एक बॉर्डर थोड़ी बच गई थी, एक साइड मैंने वो लगाया है, दूसरी तरफ के लिए मेरे पास लेस कम थी तो मैंने ये ब्रोकेड पार्ट यूज कर लिया है. डिफरेंट बॉर्डर लगने से इनफैक्ट दुपट्टा ज्यादा सुंदर लग रहा है. इसे मैंने पेयर अप किया है क्रीम स्कर्ट के साथ जो दुपट्टे के साथ बहुत अच्छे से मैच होता है. आप चाहे तो इसे पूरा लॉन्ग भी बनवा सकते हैं लेकिन मुझे इसे स्कर्ट के साथ पहनने का मन था. ये मेरी थर्ड रीयूज आइडिया जो कि हाफ एंड हाफ साड़ी से बनी है. साड़ी का जो पतली पार्ट था उससे मैंने ये पूरा लहंगा बना लिया. मेरी हाफ साड़ी में ये फ्लोरल प्रिंट थी और आधी हाफ साड़ी जो पल्लू साइड होता है वो प्लेन ग्रीन कलर था. ये ब्राउन बॉर्डर मेरी साड़ी की ही है. मेरी साड़ी का ओरिजिनल ब्लाउज ग्रीन कलर का था और मेरा मन था इस लहंगे पे कुछ कॉन्ट्रास्ट बनाने का. मैंने ये फैब्रिक लिया एंड टिल वेस्ट मैंने इसका टॉप जैसा बनवा लिया. मेरी हाफ साड़ी जो प्लेन थी उसका मैंने ये दुपट्टा बना लिया जिसमें ये ब्लू बॉर्डर ऑलरेडी अटैच थी. ओके नाउ द नेक्स्ट वन. ये मेरी पीच साड़ी जिसमें जस्ट नीचे की तरफ एम्ब्रॉयडरी की हुई थी तो उस एम्ब्रॉयडरी को मैंने ऐसे बीच में पैनल की तरह लगवा लिया. एंड इसमें अम्ब्रेला घेर दिया है साइड से. नीचे मैंने वायर बीडिंग करवाई है, उससे एक अलग ही फ्लेयर लुक आता है. ये अनारकली ड्रेस मैंने अपनी मम्मी की मरून साड़ी से बनवाया है. मरून एंड बीच का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इसलिए मैंने ऐसे बीच कलर की गोल्डन लेस खरीदी
जिसमें पर्ल्स भी लगे हुए हैं। गाइस ट्रस्ट मी, हम पुरानी चीज़ों में कुछ एक नया सामान ऐड ऑन कर देते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा सुंदर खिल के आती है। ये योग फैब्रिक मैंने अलग से परचेज़ किया है एंड आगे मैंने ऐसे नेक पे नेट का लुक दिया है। मेरी ड्रेस का जो ये दुपट्टा है ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड के कुर्ते पजामा का दुपट्टा है जो कि आज से 8-10 साल पहले बहुत फैशन में था। गाइज हम पुरानी साड़ियों से बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बना सकते हैं। ऑल यू नीड इज अ गुड टेलर। दिस इज द बैक लुक ऑफ द ड्रेस। गाइज ये मेरी एक पर्पल शेडेड साड़ी थी जिसे मैंने अपने एक सिक्विन टॉप के साथ स्टिच करवा लिया। ड्रेप दुपट्टाज आर वेरी मच इन फैशन। ये दुपट्टा मैंने इसका मैचिंग का अलग से परचेज किया है और मैंने इसे ड्रेस के साथ अटैच करवा लिया। ये दुपट्टा में जो आपको बूटी दिखाई दे रही है ये एक्चुअली मेरी साड़ी की बॉर्डर की ही बूटी थी। इस ड्रेस को मैंने मिड लेंथ रखा है एज आई वॉन्टेड इट लिटिल स्टाइलिश। पूरा फ्लोर लेंथ मैंने इसे नहीं रखा। नीचे से मैंने इसे असिमेट्रिकल लुक दिया है। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Stay connected as I'll be sharing more of reuse projects in my upcoming videos. Thank you for watching.